उत्तरकाशी में कथित लव जिहाद का मामला सामने आने के बाद लोगों के विरोध प्रदर्शन और आक्रोश के बीच मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अब यहां से दुकान मकान खाली करना शुरू कर दिया है। 26 मई की घटना के बाद लगातार बंद थी ये दुकानें, फिर धमकी भरे पोस्टर लगाकर 15 जून तक का अल्टीमेटम दिया गया। कई मकान मालिकों ने मुस्लिम किरायेदारों को खाली करने को कहा। अब इसका असर पुरौला में दिखने लगा है। उत्तरकाशी के पुरौला में कथित तौर पर लव जिहाद का मामला सामने आने के बाद स्थानीय लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार, और स्थानीय लोगों के विरोध और आक्रोश के बीच समुदाय विशेष के लोग यहां पर अपनी दुकानें और जगह खाली करके पुरौला से बाहर जा रहे हैं। इस वक्त हम आपको तस्वीर एक ऐसे ही दुकान की दिखा रहे हैं जो कि एक रेडीमेड कपड़ों की दुकान थी, और आप देख सकते हैं कि तमाम सामान जो है वो बाहर रखा हुआ है। इसे ट्रक में लोड करके अब वो यहाँ से जाएंगे। जिनकी ये दुकान है उनसे भी हमारी बातचीत हुई थी, उन्होंने कहा था कि वो अब यहाँ से देहरादून शिफ्ट हो रहे हैं जहाँ उनका अपना घर भी है। उत्तरकाशी के पुरौला मेन बाजार में लव जिहाद क्लॉथ हाउस नाम की ये दुकान 18 साल पुरानी है, लेकिन आज यहाँ फाइनल पैकिंग हो चुकी है और ट्रक में सामान लोड कर दुकानदार यहाँ से वापस जा रहे हैं। वजह है तनाव का माहौल। अपनी दुकान खाली होते देख गुलशाना भावुक हो जाती है और कहती है यहाँ से देहरादून जा रहे हैं, अब वही कुछ देखेंगे। ये हमारे थी 18 साल से। 18 साल से जी। तो ये अपनी जगह है या किराए की जगह? नहीं, किराए की है। तो आज आप लोग ये खाली कर रहे हैं? हाँ, खाली कर रहे हैं। आपसे कहा किसी ने खाली कर? नहीं, हम अपनी मर्जी से जा रहे हैं। हमारा मकान है ना देहरादून, तो हमने दुकान भी वही देख ली है। अच्छा। तो हम अपना सामान उठाने आए हैं। 18 साल से आप यहाँ पर काम कर रहे थे? हाँ, काम तो कर रहे थे। क्या कारण? बस कारण तो सबको पता ही है, पर यह बस हमने ये सोचा कि हमारे मकान भी वही हैं, दुकान भी हमने वही देख ली, तो हम जाना चाहते हैं। किसी ने आपको डराया धमका कुछ बोला? नहीं, माहौल की वजह से आप? हाँ, बस माहौल की वजह से जा रहे हैं। मोहम्मद वसीम पिछले 8 सालों से पुरौला में कार वॉश का काम कर रहे थे और अपने परिवार के साथ यहाँ रह रहे थे। आज अपने परिवार के साथ पुरौला छोड़ कर जा रहे हैं। वसीम कहते हैं बड़े अच्छे से सबके साथ मिलजुल कर रहते थे, लेकिन अचानक से माहौल बदल गया। अब यहां से वापस सहारनपुर अपने गांव जा रहे हैं। क्या काम करते हैं? मैं कार वॉशिंग का काम करता हूं। कार वॉशिंग का जी। कितने सालों से यहां पर काम? 8 साल से जी। और अब क्या स्थिति है? अब मैं तो आज ही आया हूं, मैं तो पहले गया हुआ था नीचे।